दर्शकबिन हम अमित ठाकुर अहाँ सबके स्वागत करै छी अपन विशेष में। अपन विशेष में एहि बीच में हम सब जनप्रतिनिधि सब जे सब निर्वाचित भेल हँ प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा के निर्वाचन में हुनका सब संगे बातचीत करय के श्रृंखला एहि बीच में शुरुआत कयने छी। ओही के निरंतरता दैत आइ हमरा सबके साथ में एकटा विशिष्ट अतिथि छथि आदरणीय महंत ठाकुर राजपा अध्यक्ष मंडल के संयोजक तथा एहि बेर प्रतिनिधि सभा महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 सँ निर्वाचित। हुनका संगे आइ के अपन विशेष में मुख्यतः आब निर्वाचन भेलाक बाद की प्रक्रिया आगा रहतै सरकार निर्माण प्रदेश नंबर 2 में लगायत संविधान संशोधन मधेश के राजनीति नेपाल के राजनीति समग्र रूप में हुनका संगे आइ बातचीत करै छी। महंत जी बहुत बहुत स्वागत तथा बधाई आपको आप निर्वाचित हुए महोत्तरी क्षेत्र नंबर 3 से। धन्यवाद इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है यहाँ के जनता को भी और संपूर्ण महोत्तरी के लोगों को भी जिन्होंने मुझे वहाँ से अवसर दिया प्रतिनिधित्व करने का मैं आभारी हूँ। इस जीत को आप किस तरह से ले रहे हैं ये जो जीत है इसका क्या मैसेज जा रहा है? अब मैसेज क्या जा रहा है ये तो लोग बताएंगे। हमें तो अच्छा ही लगा मेरे कांत पर जो जिम्मेवारी आई है लोगों ने चुनाव के दौरान जो मुद्दे से उठाए दो तीन मुद्दा विशेषकर जगह जगह पर उठाए एक सिंचाई के विषय में सड़क के विषय में और सबसे ज़्यादा जो है लोग कंसस चेतनशील या पढ़े लिखे लोग हैं या प्रॉपर जलेसर के लोगों ने मणिपाल इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण के विषय में वो लोग पहले से ही इस विषय में प्रयत्नरत है और उन्होंने इसका जो ये बनना चाहिए जगह खरीद करके वैसे ही रखा हुआ है पड़ता जगह तो ये सब जो है मुख्यतः जो है निर्वाचन के दौरान प्रचार प्रसार के दौरान लोगों से मिलजुल के दौरान और कोई विशेष उसे कोई ऐसा कुछ नहीं पूछ सकता है। एक प्रश्न और आया जो कि मैंने देखा लोगों ने भी देखा है बाहर से पीड़ित गांव से कुछ अवशेष कई गांव में देखा है बाहर का अभी तक जो है वो रिकवर जो घर द्वार ये सब पर असर पड़ा था वो अभी तक नहीं रिकवर हुआ था। बहुत सारा मठियानी का पूर्वी भाग जो है ऑलमोस्ट डूबा हुआ था सिर्फ एक घर में पानी नहीं फिर उसके बाकी सब में प्रवेश किया था तो लोग सब चर्चा किए थे कि मैंने नदी नियंत्रण तटबंध वगैरह बाढ़ का नियंत्रण हो सिंचाई का प्रबंध हो किसान मुख्यतः किसान लोग हैं और वाणिज्य व्यवसाय के विषय में भी उन लोग जो मुख्यतः बाजार या शहरी क्षेत्र है तो वाणिज्य व्यवसाय उद्योग ये सब पर चर्चा किए कि ये सब होना चाहिए। तो हम लोग हम जो हैं इस विषय को सड़क के विषय में तो मुझे सिंचाई के विषय में मुझे खुद भी पता था पहले से ही जानते थे और तत्काल जो है सिंचाई के लिए सड़क तो कुछ खंड में देखे हैं बनना शुरू हो गया है जगह जगह पर देखे उसी दौरान उसके बाद जो है लोड शेडिंग का भी समस्या है वो तो पूरा देश में ही है उसमें क्या किया जा सकता है लेकिन सबसे जो जरूरी चीज़ है किसान के लिए ग्रामीण सड़क तैयार है खराब व्यवस्था जैसे अभी
कुछ बरस पहले था, उसमें जैसे लगता है कि अभी तो कोई भूल नहीं हुआ है। तो ये सब वास्तविक जनता की जो चर्चा उन्होंने किया, मुझे लगा कि ठीक ही है, ये सब होना चाहिए। अभी एक दौर सा चल रहा है जनता के बीच में, मीडिया के बीच में, हालांकि ये प्रश्न अपने आप में एक निगेटिव सा सेंस ला रहा है, खुद में भी विरोधाभास है। जब आप राजनीति की बात करते हैं तो बंदेज कहीं भी आना नहीं चाहिए, लेकिन विरोधाभास दोनों हिसाब से प्रश्न ये आ रहा है कि इस बार के निर्वाचन में क्यों अलग अलग, समग्र देश का ही बात किया जाए तो जो नेशनल लेवल के जो लीडर हैं उन्होंने अपना अपना निर्वाचन क्षेत्र चेंज करा हुआ है। जब आप नेशनल की बात करते हैं तब खुद में भी वो कहीं से भी लड़ सकते हैं, नहीं लड़े तो प्रॉब्लम, निर्वाचन क्षेत्र नंबर निर्वाचन क्षेत्र चेंज करके लड़ दिए तो प्रॉब्लम। आपसे ये एक पॉजिटिवली सवाल करना चाह रहा हूँ कि सरला ही छोड़ के महोत्तरी क्यों आना पड़ा? ये प्रश्न जो है वास्तव में मेरे लिए निगेटिव प्रश्न है, क्योंकि मैं वहाँ न तो इस बार मैं शुरू से ही मैं चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं था। लोग वहाँ भी सरलाही में पकड़ के ले जाते थे। जब से मैं कांग्रेस छोड़ा तब से मैं कभी चुनाव के विषय में मैं कभी भी अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया था, क्योंकि मेरा जो है लक्ष्य जो था कि संघर्ष, मधेश के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन जो कुछ मिल जाए वही जो है वो एक उपलब्धि मानूंगा। मैं अपने लिए तो मेरा सब कुछ था ही वहाँ पर, मैं तो उस जगह पर वहाँ पहुँच ही चुका था जहाँ की मेरे लिए सब चीज़ अवेलेबल था, इसलिए वो बदलने का आने का यहाँ भी लोग जो है बुला के लाए हैं। और अंत में जो है इन लोगों को चलो भैया जन्मभूमि का नाम लेकर उठी कि आपका जन्मभूमि है, एक बार यहाँ से चुनाव वो कीजिए। इसलिए मैं कहीं किसी को त्याग कर नहीं आया हूँ, अभी भी सलाई के लोग आते ही हम मिलते ही, फल भी आए थे और जगह के परसा के लोग भी आए थे, इसलिए कहीं और लोग लीडर्स को जिला जिला से कि आप हमारे क्षेत्र से लड़ दीजिए, इस क्षेत्र से लड़ दीजिए, आ जाइए, जनरली ये प्रश्न करते रहते हैं। रोहतक से ही जो है साथी लोग प्रस्ताव किए थे और अंतिम समय तक हम अस्वीकार कर रहे थे, लेकिन महोत्तरी के लोगों से अब मेरा चूँकि वास्तव में जन्मभूमि होने के कारण स्वाभाविक है कि एक आकर्षण तो था, लोगों का भी मेरे प्रति आकर्षण था। पार्टी का जब संगठन वगैरह बनता था एडमिशन वगैरह तो न कहते हुए भी लोग जो है यहाँ से मेरा प्रतिनिधित्व वो करा देते थे, यहाँ से भी और वहाँ से भी, सरलाही से भी, चूँकि सरलाही का मैं प्रतिनिधि ही करता था, लेकिन यहाँ भी हमको जो है वो रख देते थे, वो शुरू से ही करते थे लोग। जब पार्टी कामों का जो अधिवेशन होता है ना तो उसमें प्रतिनिधि अधिवेशन प्रतिनिधि जो होता है तो करते आ रहे थे, इसलिए मैं आया, अच्छा ही लगा। लोगों से जो जितना गांव सब तीन नंबर क्षेत्र में है, मैं बचपन में ही जो है सभी गांव जा चुका था, लेकिन एक स्मरण हुआ कि इस गांव से जो कुछ गांव में थे आंदोलन के दौरान, मैं बहुत सारे गांव में गया था जन आंदोलन के दौरान, मोहतरी, सरलाही, धनुषा, तो धनुषा से ही विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति शुरू हुआ है। इसलिए मेरे लिए ये कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि ये जिला मेरा है या वो जिला तेरा है, ये मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं, लेकिन जन्मभूमि की बात जब आई तो स्वाभाविक है कि लोगों का भी आकर्षण होता है, अपना भी जो है, हालांकि ना मेरा घर है नहीं है कुछ है कहीं ऐसा कुछ तो है नहीं, लेकिन जन्मभूमि तो है, गांव के गांव तो है, वो तो जुड़ जाता है ना, वहाँ भी सलाई में भी तो लोग कहते थे मोहतरी से आए हुए हैं, हालांकि
अब वहाँ एक गांव एक बूठो गांव है तो वो अभी भी कहते हैं ठाकुर जी तो यही के हैं लेकिन वहाँ पर भी मेरा कुछ नहीं है। अब स्नेह बस सद्भाव दिखाते हैं लोग कि यहाँ के हैं तो बुरा क्या है नकारात्मक मैं समझता हूँ कि नकारात्मक नहीं है। अब लोगों की सोचाई है इस तरह का। अब इलेक्शन के बाद वाले फेज पे बात करते हैं, शुरुआत करते हैं प्रदेश नंबर 2 से, 8 जिला है अभी। अब सरकार निर्माण का प्रक्रिया आप लोगों को स्टार्ट करना है, प्रत्यक्ष तरफ आप लोगों ने बहुमत लाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन समानुपातिक तरफ का जो अभी रिजल्ट आ रहा है उसमें स्थिति उतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, जिससे ये लग रहा है कि अब प्रदेश नंबर 2 में जहाँ एक तरह से शुरू से ही सबको एक्सपेक्टेशन था कि मधेशवादी गठबंधन फोरम राजपा का जो वो सरकार बनाने जा रहा है, अभी वैसा सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा है। आप लोगों को यदि सपोर्ट लेना हो, सपोर्ट लेके सरकार बनाना हो, तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे, या तो कांग्रेस के साथ जाएंगे या वाम गठबंधन के साथ, क्या क्या होगा आप सरकार निर्माण का प्रक्रिया प्रदेश नंबर 2 के हक नहीं? प्रदेश नंबर 2 के हक में हम लोग तो सबसे पहले जो चुनावी गठबंधन किए थे वो बरकरार है और हम लोग जो है उसको मजबूत करने की तरफ जाएंगे। कुछ समय उसमें लग सकता है लेकिन हम लोग उस सोचाई में वो है। सबसे पहले तो ये हम देखेंगे, उसके बाद जो है और विषय जो है हम लोग के सामने आएगा। अगर कितना बनाने में जो है कोई कठिनाई है नहीं है, पूर्णता तो अभी निकला नहीं है। जब निर्वाचन आयोग समानुपाती का रिजल्ट घोषित कर देगा उसके बाद ही वास्तविक जो है पिक्चर या फिर अभी अभी जो सिचुएशन नज़र आ रहा है उसमें आप लोगों को बहुमत मिलते हुए नहीं नज़र आ रहा, जो शुरुआती रुझान जो आ रहा है समानुपातिक तरफ का, उस यदि वही फाइनल हो गया फॉर इंस्टेंस आप लोगों का नहीं पहुंच पाया बहुमत, तो फिर उसके बाद का प्रक्रिया क्या होगा? उस विषय में अभी यही कहना जो है क्या कौन सा परिस्थिति आता है, जो संभावनाएं बहुत सारी संभावनाएं हैं, कोई एक ही संभावना इसलिए किट कर जो हम फलाने के हिसाब जाएंगे या फलाने से वो करेंगे और ये पूर्ण प्राप्त हो जाने के बाद ही इसी से मतलब दरवाजा खुला है, या तो कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं, वाम गठबंधन के साथ भी जा सकते हैं। सरकार तो बनानी ही है ना, सरकार बनानी ही है, इसलिए हम लोग तो शुरू से ही मधेश के नेतृत्व में, मधेशी गठबंधन के नेतृत्व में सरकार बने। सबसे पहला तो ये जो है लोगों की इच्छा आकांक्षा भी हुई है 2 नंबर प्रदेश की। उसके बाद जो है हमारा तो किसी से कोई उस तरह का और लोगों से जो है चुनावी कोई गठबंधन तो था नहीं, कोई अलायंस चाहे लोकतांत्रिक अलायंस उसमें भी हम लोग सपोर्ट करते थे लेकिन सरकार में तो कभी शामिल हुए नहीं। सपोर्ट तो एमएलए गठबंधन एमएलए कांग्रेस गठबंधन को भी किए थे हम लोग लेकिन सरकार में तो नहीं गए, तो इसलिए वो ऑप्शन जो है वो खुला है। प्रदेश नंबर 2 में वाम गठबंधन का उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, उसके बावजूद भी यदि वो समर्थन ऑफर करेंगे तो आप लोग उस पर विचार कर सकते हैं सरकार गठन के प्रक्रिया में? अब देखिए वाम कांग्रेस जो बातें नहीं हुई है उस विषय में जो है किस तरह का प्रक्रिया शुरू होता है, हमारा इशू के विषय में ये सब करते समय इशू हमारा जो है संविधान संशोधन का इशू बरकरार ही है और डेवलपमेंट का एजेंडा सब जो है वो सबसे 2 नंबर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विकास के सूचक जो है उसमें जो है सबसे पीछे 2 नंबर प्रदेश है, तो ये सब भी जो है उसके प्रति जो है पार्टी सबका क्या दृष्टिकोण है पार्टी, तो सिमिलर विचार होने पर जो है
पुस्तक का जायजा सकता है। अब सरकार बना ले उसमें ही हॉस्टाइल हॉस्टिलिटी होते रहे तो फिर केंद्र की बात करें, संघीय सरकार की जब बात करें, अब संघीय संसद अभी राष्ट्रीय सभा बनना बाकी है, उसका नियम कानून वगैरह आना सब बाकी है, लेकिन वाम गठबंधन जो है उसका बहुमत आ रहा है। उस हिसाब से अब संविधान संशोधन के प्रति वाम गठबंधन जो एक हॉस्टाइल रूप शुरू से ही नजर आते जा रहा है, वाम गठबंधन का एक अलायंस जो है, एक दल जो है नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी पॉजिटिव भी रहा है, अब संविधान संशोधन का प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगा? तो वो तो देखिए आवश्यकता है, वो लोग खुद जो है जो भी सरकार में जाएंगे इस संविधान के अनुसार शासन प्रशासन चलाना जो है कठिन है। हर उस धारा जब आगे बढ़ता है तो कठिनाई जो है उत्पन्न हो जाता है, दिखाई पड़ता है। या तो सर्वोच्च में जाइए या राष्ट्रपति के पास जाइए फुकवा के लिए, वो तो उनकी बाध्यता है, हम लोग के देश को आवश्यकता है। संविधान बना लेकिन वो इतना जल्दबाजी में बना कि प्राविधिक कठिनाई, भाषा संबंधी कठिनाई, अनेक त्रुटि सब जो है, फिनेंशियल जो व्यवस्था है उसमें जो है कठिनाई है, कानून सब जो है जल्दबाजी में जो बना है उसमें भी जो है जगह जगह जो है त्रुटि सब दिखाई पड़ रहा है। इसलिए ये तो जरूरी है जो कानून या संविधान जो है बनता है व्यवस्थित करने के लिए, लेकिन कानून और संविधान अगर अव्यवस्था ही उत्पन्न कर दे तो फिर उसको तो पहल नहीं करेगी। जरूरत है, ये बात स्वीकार हो चुका है। संविधान संशोधन का जो विधेयक आया था उसमें भी जो मत गिरा वो ये संकेत तो पूरा कर रहा है कि ये संविधान अपूर्ण है, इसमें अभी पूर्णता लाने के लिए संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी संविधान संशोधन के प्रति उतना उदार नजर नहीं आ रहा नेकपा एमाले, इस बार तो वो सबसे बड़ा दल बन के भी आ रहा है, तो इस बार भी उसका रवैया वही रहा जो दिख रहा है अभी तक, तो फिर कहाँ जाके रुकेगा ये संशोधन का मुद्दा, या फिर थमेगा आगे बढ़ेगा, क्या इसका रूप? वो तो देखिए जब असंतोष होता है जनता में किसी भी भाग में, चाहे पूरे देश में हो या किसी भाग में हो, तो आंदोलन होता है, विस्फोट होता है। विस्फोट का मतलब ये बम पटाखा होते हैं, वो अचानक जो है कहीं से भी कुछ हो सकता है। इसलिए हर राज्य को जो है इतिहास कहता है कि विद्रोह को सामना करना पड़ा है, अगर व्यवस्थित नहीं कर सका, आक्रमण का सामना करना पड़ा है, अगर मजबूत अपने आंतरिक का अवस्था अगर ठीक ठाक नहीं रहा, हस्तक्षेप बाहरी हस्तक्षेप का सामना करना पड़ा। इसलिए आज की जो है अब बाहरी आक्रमण का तो कोई खतरा तो आधुनिक उसमें तो नहीं, ना जो है हम लोगों का वैसा बुरा नीति है अभी की अवस्था में, लेकिन अगर आर्थिक स्थिति आर्थिक रूप से अगर हम कमजोर रहेंगे तो सहयोग के साथ साथ तो इंटरवेंशन भी आता ही है। एड जब कोई कहीं से आप सहयोग लेते हैं तो बिना शर्त तो कोई सहयोग होता है नहीं है, चाहे ग्रांट हो चाहे कुछ हो, सद्भाव भी दिखाए फिर भी कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। इसलिए सबसे जरूरी चीज़ है कि एक तो डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट करने के लिए गुड गवर्नमेंट के लिए तो अच्छा कानून होना चाहिए, अच्छे प्रशासक होने चाहिए जो कि अपने ही इन्वायरमेंट से ना प्रभावित हो, वो पूरे देश के, क्योंकि प्रशासक लोग जो प्रशासन जो होता है जो ग्रस्त से एक जगह रहे तो तीसरे जगह चले जाए चौथे जगह उनका होता रहता है, तो अब जिस इन्वायरमेंट से आए हैं अगर उसी इन्वायरमेंट के विषय में हम ऐसा सोचते रहेंगे तो कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी ना। इसलिए गुड कानून भी, गुड गवर्नमेंट के लिए, गवर्नेंस के लिए जो है कानून भी ठीक ठाक होना चाहिए,
और जो उसको संचालन करेंगे तो वो लोग भी जो है ठीक ठाक हों, तब ना जो है बात प्रॉब्लम जो है आता रहता है। राजनीति क्या है, द्वंद्व तो है ना, उसको मैनेज करना है। राजनीति जब जहाँ कन्फ्लिक्ट होता है वो राजनीति शुरू हो जाता है, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं, मैनेज नहीं करेंगे तो कन्फ्लिक्ट। पहले भी हुआ है, बहुत पीछे ना जाए, जो आंदोलन हुआ था 6 महीने लंबे हुए, उसमें बहुत लॉस हुई समग्र देश को, सिर्फ मधेसी जनता को नहीं, पूरे देश को, आर्थिक हिसाब से कहें चाहे राजनीतिक हिसाब से कहें, लॉस तो हुआ। लेकिन एक जो रिजिडिटी था, एक जो हॉस्टिलिटी था, जिसे राज्य सत्ता का नाम दे सकते हैं, मधेसी जनता के प्रति उतना उदार वो लोग दिखे नहीं। 6 महीने आंदोलन हुआ, उसके बाद भी उतना उपलब्धि आया। अब कैसे, जब इस निर्वाचन का मूलतः एजेंडा आप लोग वही लेके चले हैं, जब संविधान संशोधन कराने का बात लेके आप लोग जा रहे हैं प्रतिनिधि सभा में, मधेसी जनता से आप लोगों से तो बहुत अपेक्षा करते हैं कि संविधान संशोधन होके रहेगा, लेकिन एक डर भी है मन में कि अब उतना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रहा नहीं। अब तो वाम गठबंधन का इतना लार्ज स्केल में बहुमत आया है, संशोधन अब तो पास होगा नहीं। मेरा प्रश्न वहीं पे आके रहेगा कि अब क्या होगा, आगे बढ़ेगा कैसे। हमने कहा आपको कि हमारी वो आवश्यकता है, उनकी बाध्यता है, वो नहीं करेंगे तो वो बार बार जो है, हमने कहा ना कि हम तो चुनाव को भी संघर्ष के ही रूप में लिए हैं, ये हमारा संघर्ष ही था। हाँ, तो आंदोलन तो होता रहेगा, अगर नहीं संभलेंगे बातें जो है बढ़ सकती है आगे, इससे भी अभी जो परिस्थिति है उसे आगे बढ़ सकती है। अगर मधेश के हक हित मर्यादा उसके सम्मान की रक्षा अगर नहीं हो सकी तो मधेश के लोगों को तो सोचना पड़ेगा, मधेशियों को सोचना पड़ेगा। मानजी, आंदोलन का स्वरूप जो है वो अभी अभी उतना इफेक्टिव नज़र नहीं आ रहा, लॉस हम लोग को हो रहा है, उसका स्वरूप बदलने के बारे में आप लोग कुछ सोचेंगे फ्यूचर में जाके, ये बंद हड़ताल इसे आगे बढ़ के भी कुछ नहीं। जहाँ तक आंदोलन जो है, जनता का आंदोलन, हम शांतिपूर्ण आंदोलन ही करेंगे, दूसरा ग्रहण कर, क्योंकि ये जनता, सरकार जनता बनाती है ना, पहले का जमाना नहीं है कि राजा महाराजा जो है लड़ते थे पिटते थे, नया राज्य बनता था, कब्जा होता था, तो अब वो समय तो नहीं है कि तलवारें उठाई जाए, लड़ा जाए, किया जाए, अपनी बात को रखा जाए, उसको जो है जायज जो चीज़ है वो होना चाहिए, तो वो सिर्फ यहाँ भी जो प्रस्ताव फेल हुआ है, आखिर वाम लोग ही लाए थे, प्रस्तावक खुद होली जी थे, बाद में ही संसद में जो प्रस्तुत हुआ है तो करचंद जी ही थे ना, निर्णयार्थ जब प्रस्तुत किया गया उस समय, तो अब वो लोग क्यों, बहुत सारा भ्रम है मधेश के विषय में लोगों को। कई लोग बोल चुके हैं कि ये बाहर से आए हुए लोग हैं, जिम्मेदार व्यक्ति लोग, नेता लोग बोल रहे हैं कि नेपाल में मधेश है ही नहीं, फिर भी हम लोगों को मधेसी कहते हैं। अब मधेसी शब्द का क्या अर्थ है उन लोगों के डिक्शनरी में। नागरिकता देकर उन्हें जो है वो नेपाली बनाया गया है, बहुत सारा भ्रम कोई लोग पाल रखे हैं, वास्तविकता को समझ रहे हैं, कुछ लोग जो है साइलेंट हैं, कुछ लोग जो है विरोध में उठते हैं, लेकिन ये आवाज़ सिर्फ मधेश की ही है ऐसी बात नहीं है, बाहर में भी जो है जो पीड़ित लोग हैं, जनजाति लोग हैं, आदिवासी जनजाति लोग, और पूरा मधेश जो है वो पीड़ित रहा है, सब दिन से रहा है, वो आंतरिक उपनिवेश करते हैं, जब नेपाल का आप इकोनॉमिक हिस्ट्री देखेंगे तो
काठमांडू का या दरबार का जो है उपनिवेश बना के रखा है। यहाँ जो है लोग मनोरंजन करने के लिए आते थे जाड़े के समय में, और राजस्व टैक्स उनको मिले, कर्ज जितना हो सके मिले। लेकिन चाहे कृषि हो, वाणिज्य हो, व्यवसाय हो, किसी में भी लगानी करने से जो है कोई भी जो है हमेशा देख मैंने उदासीन ही रहे, एकदम सीरियस नहीं रहे कि ये भी हमारा भूभाग है। यहाँ तक था कि शिवरात्रि छोड़ के और समय में जब लोग जाते थे काठमांडू, तो वो पहाड़ में जब ये प्रवेश तो प्रवेश आज्ञा क्या कहते हैं पासपोर्ट राहदानी राहदानी जो है दिखाना पड़ता था किला से लेकर, तो ये व्यवस्था थी। तो हमेशा तो वो लोग जो है एक दूसरे ही रूप में मधेश को, मधेश हमारा है लेकिन मधेशी लोगों को कभी भी वो अपना नहीं। सर्टेन फैमिली से स्टेट का रिलेशन रहा, उन लोगों को जो है मधेश की मैन पावर का जैसे कानून वगैरह संशोधन करना बनाना, तो उस समय जो है यहाँ के विद्वान लोग वो ले जाते थे रखते थे। इससे जो है विशेष लेकिन आम जनता के साथ जो है उनका जो है व्यवहार उपेक्षा का ही रहा है। और हम देखते हैं कि नागरिकता संबंधी, भाषा संबंधी, कल्चरल ये सब संबंधी जो रूलिंग सब होता रहा है, अदालत का भी वो कंजर्वेटिव रूलिंग ही। इसमें मान जी, इसमें हम थोड़ा इंटरवीन करेंगे आपको। जब भाषा का बात आप किए हैं, नागरिकता का बात किए हैं, नागरिकता का सबके साथ क्लियर हो चुका है कि नागरिकता में विभेद है ही, जो अभी नियम बनाया गया है वो बहुत प्रतिगामी है, उसमें संशोधन आवश्यक है। भाषा का जब बात आता है तो हिंदी भाषा के प्रति, जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज के रूप में समग्र देश में इतना यूज होता ही है, उसके प्रति एक हॉस्टिलिटी कहिए, एनिमोसिटी कहिए, वाम गठबंधन, नेपाली कांग्रेस, जब हिंदी का बात आता है, जब आप लोग प्रस्ताव में लेके जाते हैं कि हिंदी को भी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिलना चाहिए, तो हिंदी भाषा से वो लोग इंडिया को क्यों जोड़ लेते हैं? वही ना कहे कि बहुत सारे भ्रम जो है वो लोग पाल रखे हैं, जैसे ड्रेस के विषय में। अब ड्रेस तो एनवायरनमेंट जो है, क्लाइमेट जो है निर्धारित करता है, भोजन क्लाइमेट निर्धारण करता है, और आपका भूमि आपको क्या देता है उस पर निर्भर वो करता है। अब हिमालय में रहने वाले लोगों का ड्रेस और मधेश में रहने वाले लोगों का ड्रेस एक किस्म का तो हो ही नहीं सकता है। भोजन में भी जो है आप देखेंगे कि फर्क होगा, क्योंकि क्लाइमेट बहुत सारी चीज़ को निर्धारण करता है, हम लोगों के रूप रंग काम काज स्वभाव, ये एक दिन की बात नहीं है, वर्षों से हजारों वर्ष से जो है ये प्रक्रिया जो है शुरू है, उसी के अनुसार जो है वो सब चीज़ दिखाई पड़ता है। क्या हिंदी भाषा लाने में सचमुच में भारत का इंटरेस्ट है आप लोगों के मार्फत से? नहीं, भारत को क्या इंटरेस्ट है इसमें, किसी भाषा का आरोप लगते आ रहा है। हाँ, तो वही कहे कि बहुत सारे भ्रम पाल रखे हैं लोग। जैसे टीकापुर की घटना हो, तो टीकापुर की घटना जो है गृह मंत्री का वॉइस रिकॉर्ड है उस समय कि वो बाहर के लोगों ने किया, और फिर आया कि नहीं भारतीय लोग थे, फिर कि एक यहीं के लीडर जो है उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली, लेकिन मुद्दा जो है चलाया गया है सब निर्दोष लोगों पर चलाया गया है, थारूओं पर चलाया गया है, घर जलाए गए उनके। तो यहाँ इस तरह का जो है जिम्मेदार लोग भी जो है आपको गैर जिम्मेदार ढंग से जो है बोल देते हैं, काम करते हैं, जिससे जो है और कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है। लेकिन उनके इसी विचार से प्रभावित शायद होके अभी जो इलेक्शन का रिजल्ट जो आया है, नेकपा एमाले और नेकपा माओवादी केंद्र 2/3 से थोड़ा कम बहुमत लेके वो लोग केंद्र में जा चुके, तो इसे क्या मैसेज जाएगा कि बस 8 जिला में ऐसा ऐसा थॉट है, वो लोग थोड़ा अलग विचार रखते हैं और बाकी जिला जो है
वो राष्ट्रवादी है, ये लोग राष्ट्रवादी नहीं है। प्रश्न है कि राष्ट्रवाद का जो परिभाषा किए हैं वो कॉमन राष्ट्रवाद है ही नहीं। सब दिन से जो है हम लोग जो है इस विषय को उठाते रहे हैं। खास समूह संविधान में ही देखिए वो खास आर्य करके जो है एक समूह को रिजर्वेशन रिजर्वेशन में रख दिया है। तो मात्र अगर राष्ट्रीयता वहीं तक सीमित है, उन्हीं में सीमित है, तो बाकी लोग क्या है ना। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक मधेश और काठमांडू का संबंध है, तो काठमांडू को तो मधेश ही ने बसाया है। मधेश उससे पहले राज्य बन चुका था, राष्ट्र बन चुका था, उसकी जो है संस्कृति जो है विश्व इतिहास में रिकॉर्डेड है। आपको जो गौरवपूर्ण उसका इतिहास रहा है, महान पुरुषों और महिलाओं का यहाँ जन्म हुआ है, तो वो लोग जो है सिर्फ यही नहीं सारे विश्व जो है उनको जानता है, सम्मान करते हैं। अभी भी लाखों की संख्या में अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए लोग आते हैं उन जगहों पर। वो प्रक्रिया अभी भी जारी है। तो अब एक भ्रम तो ये है कि बाहर के लोग हैं, तो है ना, जिस संस्कृति की निरंतरता है उसी को वो बाहर के उस संस्कृति को बाहर का संस्कृति कहे। अब यहाँ के लोग अब हमारे ड्रेस को जो है विदेशी ड्रेस कहे, हमारी भाषा को अगर विदेशी भाषा कह दे, विदेश की भी भाषा होगी दुनिया में। वो भाषा जो है समृद्ध माना जाता है, जिस भाषा को लोग ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लिखते हैं, ज्ञान विज्ञान की बातें होती है। तो और देश की भाषा हो, क्या नेपाली भाषा दूसरे देश में नहीं बोलते हैं, है ना, बोलते ही हैं। वहाँ भारत में भी बोला जाता है नेपाली भाषा, भारत में भी बोला जाता है, वहाँ के संविधान में ही जो है वो रखा गया है। हम लोग भी चाहते हैं कि ये भाषा सब जो है उसको संविधान में स्थान मिले, ताकि उसके विकास के लिए जो है वो काम हो। अपने कोई वो तो नहीं, किसी खास भाषा के लिए तो हमने नहीं कहा, हमने कहा कि ठीक है आयोग बने और जो भाषा यहाँ बोली जाती है उन भाषाओं को भी स्थान मिलना चाहिए। एक ही भाषा की प्रमुखता नहीं होना चाहिए, सभी भाषा को सम्मान दृष्टि से, क्योंकि वो संवाद का विषय होता है, वो तो भाषा तोड़ता नहीं है, भाषा तो जोड़ता है। मान जी, अब एक हॉट टॉपिक चल रहा है सरकार निर्माण प्रक्रिया का, केंद्र के सवाल में। आप लोग वैसे तो वाम गठबंधन का बहुमत आ रहा है, लेकिन ऑफर आने पे जाने का संकेत दे रहे हैं आप लोग, केंद्र सरकार में शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन कल जो राजेंद्र महतो जी का जो स्टेटमेंट आया था इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन को केंद्र में रख के हम लोग जा सकते हैं सरकार, उन्होंने ऐसा संकेत दिया है कि सरकार में जा सकते हैं। आप कह रहे हैं बिल्कुल नहीं। देखिए, आपने सरकार बनाने की भी बात जो कही उसी समय मैं इसका जवाब दे चुका हूँ कि वो जो इशू सब है उस इशू पर जो है किसका क्या दृष्टिकोण है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना मोहन जी कि पहले भी वो जैसे तो बहुत है, वो बहुत सारी धोखाधड़ी फिर से हो जाए, आपको कह दे कि संविधान संशोधन कर देंगे, सरकार में आइए आप, और एक इंटरनेशनल मैसेज भी जाएगा कि हम लोग मधेशियों के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, राजनीतिक स्थिरता आ चुकी है और ग्राउंड लेवल पे स्थिरता ना हो क्योंकि संविधान संशोधन का मांग तो पूरा हुआ ही नहीं, तब फिर क्या होगा? तब तो एक नेगेटिव मैसेज आएगा ग्राउंड पे मधेशी जनता के कि हम लोगों ने जो जनमत दिया था अपने प्रतिनिधि को संविधान संशोधन के लिए, वो सरकार में शामिल हो गए। तो अब किस परिस्थिति में उन्होंने, राजन जी ने ऐसा कहा? अभी सरकार में जाने को उनका अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है। हम लोग अभी निर्वाचन के बाद जो है मिले भी नहीं हैं आपस में, काठमांडू जाके अध्यक्ष मंडल का बैठक करके ये सब चीज़ जो है बोल देने से ही नहीं होता है, नीतिगत चीज़ है। अभी तक हम लोगों का ऐसा कोई विचार नहीं है किसी का भी सरकार बने केंद्र में। हम लोगों का इंटरेस्ट का विषय दो नंबर प्रदेश है, सरकार बनाने में। केंद्र में उनको पर्याप्त बहुमत है, हमारा जो है वो कोई निगेटिव एटीट्यूड नहीं रहेगा।
रचनात्मक का सहयोग हमारा रहेगा। अभी तक क्या स्टैंड है आप लोगों का सरकार में जाने के बाद को लेकर? नहीं, अभी उस विषय में कोई छलफल ही नहीं हमारी पार्टी में हुआ है न जो है हम लोग। लेकिन मैंने आपको स्टेटमेंट सब बताया। नहीं, ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं। नहीं, आ रहे हैं तो मैंने कहा ना कि व्यक्तिगत तो वो विचार कोई पार्टी में जो है इस विषय में कोई जो है ना तो कोई निर्णय हुआ नहीं कुछ। इतने बड़े लीडर का व्यक्तिगत विचार हो सकता है महंत जी? वो तो अब सार्वजनिक जीवन स्पेंड कर रहे हैं, उनके और समग्र देश का ध्यान जा रहा है। हाँ तो जा रहा है, अब किस परिस्थिति में उन्होंने बोला उनका क्या वो है, हमारा अपना भी तो इशू है। कोई जो है जो कुछ भी आखिर अपोजिशन का भी तो स्थान होता है डेमोक्रेसी में, वो कोई ना कोई तो उस स्थान पर रहना चाहिए। अभी तक जो स्टैंड है उसमें अभी आप कह रहे हैं कि चर्चा नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल जाने की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं है। सीमांकन एक बड़ा मुद्दा है, हालांकि अब संहिता और संविधान के हिसाब से कहें तो कार्यान्वयन हो चुका है, संशोधन होते रहता है, ये एक प्रोसेस है। सीमांकन के विषय में अब ये जो प्रदेश नंबर 2 है उसे मधेश मान लिया जाए या मधेश अभी भी 22 जिला? देखिए वो प्रकृति ही सीमा छुटिया दिया है मधेश और पहाड़ पर, लेकिन अभी राजनीतिक सीमा आ चुका है, 8 जिला को अलग कर दिया गया है। वो राजनीतिक सीमा तो बदलता रहता है, पॉलिटिकल बाउंड्री जो है बदलता रहता है समय समय में, जगहों का नाम बदलता रहता है लेकिन जगह वही रहता है। कुछ नाम जो है वो अभी तक उसी रूप में है, जैसे मिथिला हुआ, जनकपुर हुआ, लेकिन ये नाम भी जो है बार बार कभी विवेक के नाम से जाना गया, कभी जो है तिरहुत के नाम से जाना गया है। राज्य का नाम था तिरहुत, सिमरौनगढ़ भी तिरहुत राज्य कहा जाता था उसको, और मिथिला तो प्रसिद्ध ही है। मतलब प्रश्न वही रहा कि 8 जिला मधेश है कि 22 जिला अभी भी मधेश है? मधेश को तो मधेश ही लोग ना कहेगा, चाहे वो किसी राज्य में मिला दे, जैसे हम कहीं भी जाएंगे तो मधेशी ना कहेगा लोग, कोई दूसरा थोड़ा हमको कहेगा। हम चले जाएं मान लीजिए नुवाकोट ही जाएं तो वहाँ मुझे क्या कहेंगे लोग? अब केंद्र से जो नजर आ रही है, केंद्र से जो नजर है देखिए वो ये कह रहे हैं कि प्रदेश नंबर 2 ही मधेश है, बाद बाकी जो 14 जिला जो है वो अब अलग हो चुका है, अलग कर दिया गया है। ज्योग्राफी थोड़ा चेंज हुआ है, ज्योग्राफी चेंज करना उनके हाथ में है। इसमें कितना विश्वस्त है आप, चाहे कितना आशावादी है कि सीमांकन का जो मुद्दा जो है सीमांकन चेंज हो सकता है? अभी भी बिल्कुल करना पड़ेगा, वो लोग तो तैयार ही नहीं है। हाँ तो हम लोग भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक तो आप मान के आगे बढ़ रहे हैं, निर्वाचन में आ चुके हैं, जितना आया है उतना हम लोग लिए हैं, लेकिन हम लोग कभी स्वीकार तो नहीं किए हैं। लेकिन वो लोग यही कह रहे हैं कि संविधान को मान के तो हमको विदेशी कहते हैं, वो तो बाहर से आए हुए लोग आते हैं, लेकिन अपना इतिहास जब लिखाते हैं तो कहते हैं कि हम फलाने जगह से आए हैं, भारत के ही किसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जगह से आए। आप ये चीज नहीं सुनते हैं, और हम ही लोगों पर जो है मधेश के लोग भी जो है इस चीज को नहीं बूझते हैं, जनता आम जनता बच्चा में वो भावना चला गया है मधेश के प्रति, और पता नहीं आप लोग जो है क्यों नहीं समझ रहे हैं इस चीज को। नहीं, समझ में तो आ रहा है, लेकिन तो जो बातें हो रही हैं, जो इंटरनेशनल बातें हो रही हैं, वो अपनी बातें जा रही हैं। मैंने उसी हिसाब से आपको प्रश्न तो मैंने शुरू में ही कहा कि वो भ्रम है, बहुत सारे भ्रम उन लोगों ने पाल रखा है, शासक लोग हमेशा जो है आइसोलेट करके रखा लोगों को, बाहर को ही अपना सीमा मानते रहे हैं, कभी भी ना हम लोगों के सुरक्षा के लिए ना किसी चीज बाहरे होता है, अगलगी होता है, तो जब सब चीज समाप्त हो जाता है तब सरकार का जो है वो कभी पहल होगा, नहीं तो दुनिया से मांगना शुरू कर देंगे। कार्यक्रम के एकदम अंत में 2-3 प्रश्न एकदम छोट में, अब अभी का प्रक्रिया आर्थिक विकास की ओर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं या पहले राजनीतिक मुद्दा सॉल्व हो जाए उसके बाद ये? दोनों एक दूसरे से संबंधित विषय है। राजनीतिक स्थिरता नहीं हो है इसलिए जो है देश अभी तक जो है आपको जनता के चाहना के अनुसार जो है
यहाँ जो है स्टेट जो है सरकार जो है कभी भी नहीं जो है वो समग्र भूमि की बात मैं कर रहा हूँ, मधेश विशेष रूप से पिछड़ गया है, उन्हीं का जो है विकास सूचक जो है सरकार के द्वारा जो विकास सूचक प्रकाशित होता है UNDP के जो वो सूचक मधेश के जिला सबसे पीछे रहते हैं, पीछे रह गया। तो कारण क्या है, कभी जो समृद्ध था आखिर क्या कारण है, कारण क्या है? बस दोष दे देना सिर्फ मधेशी को, यहाँ के लोग इंटेलिजेंट नहीं है। कोई आयोग बनता है यहाँ जो है वो आयोग एक बनाया वो संधि पुनरावलोकन के लिए, मधेश के लोग उससे संबंधित लोग हैं उसमें एक भी आदमी, बार बार हम लोगों ने उठाया। मधेश के हित के विपरीत मान लीजिए आखिर दो देश है, देश तो दो है ना, हम कहते हैं कि मधेश एक राष्ट्र है तो क्या ये गलत है? राष्ट्र की परिभाषा के अंतर्गत आता है ये, उनसे पहले जो है बन गया है राष्ट्रीय संविधान संशोधन। लास्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन में अब आप लोगों का बॉटम लाइन क्या क्या है, कौन कौन इशू पे सबसे पहले आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि ये इशू सबसे पहले सॉल्व हो, उसके बाद आगे जो भी आगे बढ़ा जाए? बहुत सारा इशू, सबसे पहले तो हम वो कहेंगे जो जो पश्चिम में जो थर्वट लोगों का वो है वो होना चाहिए, हम लोग जो है उसमें सहमत हो गए पश्चिम में जो है थर्वट नाम जो भी रखे थर्वट, हम कहें नाम समय समय पर बदलता रहा है जगहों का, लेकिन जगह तो वही है, कपिल वस्तु तो वही है, जगह तो वही है। इसलिए वो तो हमारा मेन वो रहेगा कि अभी भी जो है थारुओं के साथ जो है बहुत अन्याय अत्याचार हो रहा है, इस चीज़ को तो हम लोग जो है वो हमारा इशू रहेगा, जब तक जो है नहीं बनेगा तब तक जो है हम लोग उस इशू पर संघर्ष करते रहेंगे। और विकास निर्माण के लिए भी जो है अब वो दिन चले गए कि मनमानी करते रहेंगे हम लोग, सहते रहेंगे, साथ साथ दोनों प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, राजनीतिक और आर्थिक दोनों आगे लेके चलेंगे, प्रक्रिया आगे बढ़ेगा दोनों तरफ जो है, केंद्र में भी संघर्ष में रहेंगे, जिला में भी संघर्ष में रहेंगे। मूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अंत में फिर से आपको बधाई, आप निर्वाचित हुए उसके लिए। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा ये है कि आप सभी, हम सभी को जो है मधेश के विषय सोचना है, जो भ्रम लोगों ने पाल रखा है, ये डिस्कशन आज से नहीं, बहुत पहले से ही ये डिस्कशन में आ रहा है, तो मात्र ये डिस्कशन तक की इसका निष्कर्ष निकालना जरूरी है, नहीं तो बार बार जो है क्योंकि जटिलता उत्पन्न होगी और कठिनाई होगी। दर्शकबिन, ई छले था हमरा सबके साथ में राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल अध्यक्ष मंडल के संयोजक आदरणीय महंत ठाकुर तथा महोत्तरी क्षेत्र नंबर 3 से प्रतिनिधि सभा में निर्वाचित सदस्य आप छथि, हुनका संगे के अपन विशेष के बातचीत एखन ले एतबे। हम अमित ठाकुर के विदा दिया, नमस्कार।